अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको मशीन की सफाई का तरीका बताऊंगी। उसके लिए हमने ये जो नट्स हैं दो, ये खोलने हैं सबसे पहले, और एहतियातन आपने मशीन की सुई भी उतार लेनी है ताकि आपके हाथ में सुई ना लग जाए। ये नट्स हम खोलते हैं, ये वाले। उसके बाद हम यहाँ से ये पाँव उतार लेंगे और ये सुई भी उतार लेंगे। मेरी मशीन भारी चल रही थी, इस वजह से मैं सफाई कर रही हूँ इसकी। पहले मैं नट खोलूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सफाई किस तरीके से करनी है। नट्स हमने खोल लिए हैं, यहाँ से भी हमने सुई उतार ली है और पाँव भी उतार लिया है। अब ये हटाएंगे प्लेट, और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंद है। इसको हम किसी चीज़ की मदद से साफ कर देंगे। ये देखें कितना ज़्यादा यहाँ पे गंद जमा हो चुका है। आप किसी भी चीज़ से इसको साफ़ कर सकते हैं, सुई से या कपड़े से। पहले मैं इससे हटा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको कपड़े की मदद से साफ कर लूँगी। ये देखें कितना ज़्यादा गंद है यहाँ पे। ये देखें, एक आपने यहाँ से साफ करना है। इसको मैं कपड़े से करती हूँ अभी। उसके अलावा यहाँ नीचे से आपने साफ करना है। इसके नीचे से भी काफ़ी ज़्यादा गंद जमा हो जाता है। उसके अलावा हम अंदर से भी खोल के साफ करते हैं यहाँ से, लेकिन फ़िलहाल मैं ऊपर से साफ करके चेक करूँगी। अगर मेरी मशीन सही काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं नीचे से भी खोल के इसको साफ कर लूँगी। उसके बाद मैं काम करके देखूँगी। यहाँ पे कपड़ा अब मैं फेर लूँगी और साफ़ कर लूँगी इसको। कपड़े की मदद से हम यहाँ से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें मैं वापस लगा दूँगी। अभी हम काम कर रहे हैं, वरना हम इसमें ऑयलिंग भी करते। मशीन को हमने यहाँ से साफ़ किया था, लेकिन ये सही से नहीं चल रही अभी भी। तो अब हम अंदर से इसको यहाँ से इसका खोलेंगे और साफ़ करेंगे। ये जो प्लेट्स वगैरह हैं, ये मैं खोलती हूँ इसके दोनों नट्स, और उसके बाद मैं आपको साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। ये हमने इसको उतार दिया है, और यहाँ पे आप देखें तो आपको इतने ज़्यादा धागे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा मैल यहाँ पे जमी हुई है, जिसकी वजह से ये मेरी मशीन भारी हो रही थी और धागा बार बार तोड़ रही थी। अब मैं इसको अलहदा कर लूँगी, ये वाली जो इसकी है इसको निकाल लूँगी, और फिर सुई की मदद से यहाँ से सारा साफ़ करूँगी। लेकिन आपने खुद से नहीं खोलना, अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं आता तो आप किसी से सेट करवा लेंगे। और नट्स वगैरह भी हम संभाल के रखेंगे ताकि बाद में हमें मुश्किल ना हो। इस नट को साफ सॉरी इस नट को खोल के भी साफ़ किया जाता है। इसको भी मैं करूँगी और इसको भी करूँगी। मैं इसको निकाल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मशीन को अंदर से भी हमने सिलाई कर लिया था, और आप ये देखें इसमें से कितना ज़्यादा कचरा निकला है, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ नीचे वाले हिस्से से, अंदर से यहाँ पे फिर मैंने इसको दोबारा से फिक्स कर दिया है, और हमारी मशीन बहुत ही हल्की चलना शुरू हो गई है। पहले ये बहुत ज़्यादा हैवी चल रही थी, इस वजह से मैंने इसको पहले ऊपर से साफ़ किया था, फिर यहाँ से करने से भी ये साफ़ नहीं हुई सही से। फिर नीचे हमने साफ़ किया, उसमें दो तीन धागे निकले हैं,
और उसके अलावा ये इतना ज़्यादा कचरा निकला है, इस वजह से मशीन हमारी सही नहीं चल रही थी। उम्मीद है आपको मशीन की सफाई का तरीका आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।